गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इन विच चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट एंड अदर साइड ऑफ अनदर प्लेट इज अर्थ। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट वन और दूसरी प्लेट टू, एक प्लेट वन दूसरी प्लेट टू। एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया बाय इंडक्शन, इसमें अंदर की तरफ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो कि अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से ये इसका ये जो है अरेंजमेंट है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी सिंबॉलिकली यानी सिंबल इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब इधर प्लस चार्ज देंगे, जब हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये पार्ट जो है किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, यहां पर इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना यहां पर E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले चैप्टर में, पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हालांकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इधर इसके अंदर इधर ई और वी क्या होगा, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है ई बाय ईडी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होगा ईडी। ये कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपने याद, मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स मैंने सपोज कर लिया, लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। एरिया ए, लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स एरिया ए सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये हमारे पास, मैंने जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, प्लस क्यू चार्ज दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहां पर बाय इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर। क्लियर हो गया? ये प्लेट वन और ये प्लेट टू, प्लेट वन प्लेट टू, ये सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड
बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख सकता हूं क्यू, क्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, मैं बता चुका हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट में। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? V इज इक्वल टू ED, D क्या है? इनके बीच सेपरेशन। तो ये मेरे पास आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D। स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स आइए आगे, हमारा चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स बट C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। ये जो V की वैल्यू है ये हमने यहां रखी, तो Q बाय V कितना हो जाएगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D। इस Q से ये Q कट गया तो C इज इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C इज इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर, फिल्ड विद एयर। इसके अंदर क्या है हमारे पास? हवा है, लेकिन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। यानी इस केस में हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी पहली प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जो पॉजिटिव इधर होगा वो कहां चला गया? अर्थ में चला गया। स्टूडेंट्स यहां पर हमने इसको क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? माइनस सिग्मा। लेकिन ये जो कैपेसिटर है फिल्ड विद क्या है? डाइलेक्ट्रिक, यानी फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। यहां पर हवा थी और यहां डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये लीजिए, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा था, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स एरिया ए सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो E इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर भी क्या आ जाएगा? के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? ईडी, साथ में क्या आ जाएगा? के। तो सी, बट सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी, बट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां पर सी जो ले लेते हैं वो हम क्या ले लेते हैं? मीडियम, डाइलेक्ट्रिक
डायलेक्ट्रिक मीडियम तो क्यू अपॉन वी, आप देख लें ये हमारे पास, हमने v की वैल्यू यहां रखी, q से q कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। c इज इक्वल टू, यानी c मीडियम इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। स्टूडेंट्स अब जब फिल्ड विद एयर था तो वी नो दैट कैपेसिटेंस एयर में, जब एयर में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अभी हमने प्रूव किया है, ये हमने अभी प्रूव भी किया था, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू सी मीडियम इज इक्वल टू के सी एयर, या फिर एक फॉर्मूला और बन गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, सी मीडियम सी एयर। मेरी बात समझ गए, ये नीचे ले गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन एयर, टू द कैपेसिटेंस इन एयर। इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहूंगा, जब भी हमें कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है, जब भी हमें कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है, सबसे पहले हम पहला स्टेप टू डिटरमाइन सी, यानी कैपेसिटेंस, जब भी हमें डेरिवेशन करना है कैपेसिटेंस का, सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। स्टेप टू क्या करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे इस फॉर्मूले से। स्टेप थ्री, फिर हम तीसरे स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये लीजिए, डायलेक्ट्रिक स्लैब सी मीडियम की कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफेरेड है, और ये डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, दूसरा एयर, और जब इसके अंदर हवा है तब मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन है डिटरमाइन के, तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगेगा, यानी के इज इक्वल टू सी मीडियम बाय सी एयर, यानी के इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेड बाय 20 माइक्रोफेरेड, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4, 80 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय, अब देख लें ये वैल्यू मैंने यहां रख दी और ये आ गया 4। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स बच्चों, अगला कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, लेकिन कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड ऑन क्यू, यानी चार्ज गिवन एंड वी पोटेंशियल, ठीक है।
कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और भी अगर लिखना चाहो तो एनर्जी पर भी, एनर्जी स्टोर्ड पर भी डिपेंड नहीं करता, एंड एनर्जी स्टोर्ड। दूसरा यानी कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, यानी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट्स तीसरा कंसेप्ट यह है, हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी एरिया, एरिया शेप और साइज। स्टूडेंट्स मैं ये भी बता दूं आपको कि चौथा पॉइंट, अगर मेरे पास ये लीजिए ये कैपेसिटर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ये हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, यहां पर चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस क्यू, ठीक है, और इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया ए, ठीक है, तो इस केस में यहां पर ई कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी क्या होगा ईडी, वी क्या होगा ईडी अगर डी इनके बीच का सेपरेशन, लेकिन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स या कह लो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, F इज इक्वल टू QE, यानी Q E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह लें F इज इक्वल टू QE या E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q, सिग्मा क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये लीजिए पांचवा पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच प्लेट क्या होगा, F इज इक्वल टू Q E बाय 2 या कह ले ½QE, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ½QE, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो,
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहां भी जीरो। तो जो ईच प्लेट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच प्लेट क्या होगा, जीरो प्लस ई बाय टू यानी ई बाय टू। ये बात ध्यान रखनी है, यानी मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जीरो प्लस ई बाय टू यानी एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू, ई की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं या आप समझ गए, क्योंकि ई क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने बिल्कुल ध्यान में रखा है कि छठा फॉर्मूला वो मैं बता ही चुका हूं, k इज इक्वल टू सी मीडियम बाय सी एयर, और पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, फोर्स एक्सपीरियंस ये आपने ध्यान रखना है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच प्लेट आ जाए तो क्या होगा, आपने हाफ कर देना, क्लियर है। मेरी बात समझ गए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच प्लेट में इस तरह से आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफेरेड इफ एरिया ऑफ प्लेट्स इज डबल्ड एंड सेपरेशन इज हाफ्ड, व्हाट इज न्यू कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन यहां पर ठीक है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफेरेड, एयर है तो एयर के लिए के क्या होता है 1, तो मेरा फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी डैश एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड, एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड एंड सेपरेशन इज हाफ, एंड डी की जगह क्या आ जाएगा डी बाय टू, तो सी डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी या 4 सी, और सी कितना है हमारे पास, ये सी कितना है हमारे पास 8 माइक्रो फैरेड। अब ये वैल्यू हमने यहां रखी तो सी डैश इज इक्वल टू 4 × 8 यानी 32 माइक्रो फैरेड, 32 माइक्रो फैरेड। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है कि इसका ये लीजिए, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ए एंड सेपरेशन डी, इसकी कैपेसिटेंस
इसकी कैपेसिटेंस बराबर है किसके? ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बराबर है किसके? स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर। क्वेश्चन है इसकी कैपेसिटेंस, इफ कैपेसिटेंस ऑफ बोथ इज इक्वल डिटरमाइन डायमीटर, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस केस में मुझे निकालना है लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू आर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2R। ये निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्या है हमारे पास? इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला ये होता है और स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन 4 पाई डी। तो डायमीटर क्या होगा? 2R। 2R का मतलब 2A बाय 4 पाई डी। ये आप कैंसिल कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं। क्वेश्चन ये लीजिए, मेरे पास ये रहा एक कैपेसिटर, एक दीवार, और इस दीवार से एक प्लेट, प्लेट वन, दूसरी प्लेट ये रही, और इसके साथ एक वेट मास एम, जिसका वेट एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका वेट एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये पैरेलल प्लेट। क्वेश्चन है अगर इसका एरिया ए है, डी इनके बीच का डिस्टेंस है, तो डिटरमाइन टेंशन, डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये वॉल है, ये हमारे पास वॉल है और इसमें हमें टेंशन टी निकालनी। स्टूडेंट्स आप देख लें, इसके ऊपर फोर्स प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, और ये प्लेट इसको एफ फोर्स से, ये प्लेट इसको एफ फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लेट टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू टेंशन टी। क्यों? डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेट टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू किसके होगा? टेंशन। यानी इस केस में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? Q E by 2,
इज इक्वल टू टेंशन। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? या फिर क्यू ई क्या होगा, सिग्मा बाय, हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन दोनों के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर सिग्मा की जगह क्यू बाय ए टी, या टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ गए? आपको डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है, मेरी बात समझ गए? तो टेंशन इन स्ट्रिंग इस टर्म में Q और A की टर्म्स में निकालना है, यहां पर क्या है चार्ज Q। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? और मैंने ये भी बता दिया था जब ईच प्लेट, एक प्लेट की बात आती है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू ई बाय टू। ये आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एफ अपॉन क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और यहां पर ई बाय टू इसलिए आया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जीरो। तो एक प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो जीरो प्लस ई बाय टू। ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर चुका। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने एक छोटा सा टॉपिक था कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी और भी है, अभी जो मेन टॉपिक है वो भी बचा हुआ है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी आप इतना पढ़े और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।